हिंदू धर्म में ग्रहण को बेहद अशुभ माना जाता है, फिर चाहे वो सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण। ग्रहण के समय सभी मांगलिक और शुभ कार्यों को करने की मनाही होती है। साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण इस साल 2 अक्टूबर को ही लगने जा रहा है। ज्योतिष और पंचांग के मुताबिक ये सूर्य ग्रहण कंकण सूर्य ग्रहण होगा। कंकड़ाकृति सूर्य ग्रहण कन्या राशि और हस्त नक्षत्र पर पड़ेगा। पंचांग के अनुसार इस दिन आश्विन अमावस्या रहेगी और इसी दिन महालया रहेगी, साथ ही पितृ पक्ष का आखिरी श्राद्ध भी किया जाएगा। भारत में ग्रहण नहीं देखने से यहां सर्वप्रथम मोक्ष अमावस्या से जुड़े सभी धर्म कर्म पूरे किए जा सकेंगे। बुधवार सुबह सूर्य को जल चढ़ाएं, घर के मंदिर में गणेश जी, विष्णु जी, लक्ष्मी जी, शिव पार्वती जी आदि देवी देवताओं की पूजा करें। इसके बाद दोपहर में करीब 12 बजे पितरों के लिए श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण आदि शुभ काम करें। इस दिन जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाएं, अनाज, कपड़े, जूते, चप्पल और धन का दान करें। हनुमान जी के मंदिर में दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। पितृ पक्ष में जिन पूर्वजों के लिए श्राद्ध करना भूल गए हैं और जिनकी मृत्यु की जानकारी नहीं है, उनके लिए इस अमावस्या पर ही श्राद्ध करें। वैदिक पंचांग के अनुसार 2 अक्टूबर को बुधवार के दिन भारतीय समय अनुसार रात 9:13 से आरंभ होकर मध्य रात्रि 3:17 तक सूर्य ग्रहण का असर रहेगा। ग्रहण की कुल अवधि 6:05 की होगी। 15 दिन के भीतर ये दूसरा और साल का अंतिम ग्रहण है, जो कि एक कंकड़ाकृति सूर्य ग्रहण है। इससे पहले 18 सितंबर को खड्ग्रास चंद्र ग्रहण लगा था। ग्रहण एक खगोलीय घटना है जिसका आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही क्षेत्रों में काफी महत्व होता है। लगातार 2 ग्रहण का लगना या पड़ना शुभ नहीं माना जाता। ग्रहण के दौरान जो भी लोग ग्रहण प्रभावित देशों में रहेंगे, उनके लिए ग्रहण से संबंधित नियमों का पालन करना जरूरी है। ऐसे में जिन देशों में ग्रहण दृश्य होता है, वहां के लोगों को प्राकृतिक आपदाएं, महामारी और देश की आर्थिक स्थिति में भी काफी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। सूर्य ग्रहण के 12 घंटे पहले सूतक काल का समय शुरू हो जाता है। मान्यता के अनुसार सूतक काल के समय पृथ्वी का वातावरण दूषित होता है। धार्मिक दृष्टिकोण से ग्रहण को अशुभ माना जाता है, इसीलिए इस समय धार्मिक अनुष्ठान और कोई भी शुभ मांगलिक कार्य करना वर्जित माना गया है। सूतक काल शुरू होते ही पूजा पाठ नहीं की जाती है, देवी देवताओं की मूर्ति भी स्पर्श नहीं की जाती और यहाँ तक कि मंदिरों के कपाट भी बंद कर दिए जाते हैं। वहीं ग्रहण के दौरान गर्भवती स्त्रियों को अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए। ग्रहण काल में गर्भवती स्त्रियों को वस्त्र आदि काटने या सिलने अथवा ऐसे अन्य कार्य नहीं करने चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से बच्चे पर ग्रहण का दुष्प्रभाव पड़ सकता है। 2 अक्टूबर को अर्जेंटीना और चिली में पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। इन देशों के अलावा अंटार्कटिका, ब्राजील, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, अमेरिका सहित कई देशों में आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज।